morning, children. How are you all? I hope, children, you all are fine at your home. Welcome back to your SST class, children. Okay. Today we will do book exercise of our lesson 15, festivals we celebrate. Festivals means त्योहार. अभी आपने recently on Sunday आपने एक festival मनाया है, right? कौन सा? It's दशहरा. Yes. हमने कौन सा सेलिब्रेट किया फेस्टिवल? दशहरा. तो इस चैप्टर में चिल्ड्रन हमने सारे फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था, राइट? तो एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. फर्स्ट वी रेड अबाउट होली, जो मार्च मंथ में सेलिब्रेट की जाती है, और वो इसलिए सेलिब्रेट की जाती है कि विंटर एंड हो रहा है और समर जो है वो स्टार्ट हो रही है. ठीक है, और इसमें लोग कलर से खेलते हैं और गुजिया खाते हैं, राइट? देन वी स्टडीड अबाउट ईद. ईद जो है पूरे होल मंथ का फास्ट रखे, रमजान वो रखे, तब फिर वो रमजान बोलते हैं उसको, जो पूरे महीने वो फास्ट रखते हैं, और फिर आखिरी दिन वो लोग सेवइयां बनाते हैं और ईद के त्योहार पे उसका रमजान का एंड होता है कि हमारे पूरे महीने का जो फास्ट है उसका एंड है वो है ईद. ठीक है, उस पे वो लोग सेवइयां मनाते हैं. देन वी रेड अबाउट पोंगल एंड ओनम. इससे पहले हमने पढ़ा था मकर संक्रांति, है ना? मकर संक्रांति जो है नॉर्थ इंडिया का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब फसल की कटाई होती है. ठीक है, और मकर संक्रांति कब होता है? 14 जनवरी को. ऐसे ही साउथ इंडिया में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो है पोंगल एंड ओनम. पोंगल जो है तमिलनाडु में, ओनम जो है केरला में सेलिब्रेट की जाता है. ये भी वहां के हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब जब फसल पक के तैयार होती है कि अब फसल कटेगी तो उसको खुशी के तौर पे फेस्टिवल मनाते हैं, पोंगल एंड ओनम. तो बोट रेस होती है ऑर्गेनाइज, राइट, दोनों पे. और पोंगल पे लोग काउ को वर्शिप करते हैं और जो खीर बनती है उसमें चीनी के बजाय जो खीर होती है चावल और दूध की, उसमें वो लोग गुड़ डालते हैं चीनी के बजाय. जैसे अपने यहाँ चीनी डालते हैं वो लोग गुड़ डालते हैं. और ओनम पे जो है बोट रेसिस होती है, राइट? और अभी हमने दशहरा सेलिब्रेट किया परसों, डे बिफोर यस्टरडे. तो व्हाट डिड वी डू? इसमें हमने रावण एफिजी ऑफ रावण मींस पुतले, एफिजी मींस पुतले, किसके? रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के हम जलाते. वो इसलिए कि राम जी ने उस दिन रावण का वध किया था, तो वो एक सत्य की जय के तौर पे, सत्य की विजय के तौर पे हम उसको एज अ सेलिब्रेट करते हैं कि राम ने रावण के ऊपर विजय पाई थी, इसलिए भी सेलिब्रेट दशहरा. नाउ दैट इज दिवाली. और सेम दशहरा के टाइम जो है दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जांपल अभी नवरात्रे गए चिल्ड्रन, राइट? तो कल नवमी भी थी एक साथ और दशहरा भी था, राइट? तो दुर्गा पूजा भी दशहरे के साथ कंट्री में बहुत सारे पार्ट्स में जो है दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट की जाती है. देन वी हैव दिवाली. दिवाली यू ऑल नो इट इज गोइंग टू कम, एंड व्हाट वी डू? वी डेकोरेट आवर हाउसेस विद लाइट्स, दियाज एंड कैंडल्स, एंड वी मेक रंगोली इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, राइट? एंड वी मेक डिशेज एंड स्वीट्स इन एट आवर होम. हम लोग सब घर पे मिठाइयां बनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, राइट? और हम फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं और एक दूसरे को स्वीट दे के भी विश ईच अदर, राइट? तो दिवाली जो है विंटर की बिगनिंग, मतलब सर्दियों की शुरुआत का, जैसे होली है वो विंटर का एंड होता है कि होली, हम होली जब सेलिब्रेट करते हैं मतलब अब सर्दी गई. और वेन वी सेलिब्रेट दिवाली मीन्स विंटर्स आर कमिंग, की शुरुआत हो गई है विंटर्स की. ओके, देन वी हैव क्रिसमस. उसके बाद क्या आएगा? क्रिसमस आएगा 25 दिसंबर को, और ये हम जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे होता है तो उनके बर्थडे की खुशी में 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन लोग जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो चर्च में जाके प्रेयर्स बोलते हैं और केक्स और पुडिंग्स बनाते हैं और एक दूसरे को दे डिस्ट्रीब्यूट. ओके, और उस दिन वो लोग दे वियर न्यू क्लोथ्स क्रिश्चियंस, क्योंकि ये उनका फेस्टिवल है,
एंड दे विश ईच अदर मैरी क्रिसमस. देन वी हैव गुरुपूरब. गुरुपूरब जो है इट इज अ फेस्टिवल ऑफ सिख. सिख जो रिलीजन है उनका फेस्टिवल है गुरुपूरब. और जैसे क्रिसमस जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के लिए मनाया जाता है, वैसे ही गुरुपूरब जो है सिखों के बहुत सारे गुरु हुए हैं उनके बर्थडे के तौर पर, उनका बर्थडे तब आता है तो इसीलिए गुरुपूरब मनाया सेलिब्रेट किया जाता है. देन वी हैव उसमें वो लोग क्या करते हैं, कड़ा प्रसाद बनाते हैं. जो प्रसाद होता है उसको वो लोग कड़ा प्रसाद बोलते हैं. एंड लंगर लगते हैं, राइट चिल्ड्रन. एंड और फिर वो गुरुद्वारे में जो है प्रेयर्स ऑफर करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं. और फिर जुलूस निकालते हैं. यस, जैसे मान लो अब दशहरा पे भी पहले लोग निकालते थे, या वैसे भी निकलते हैं कुछ मूर्तियां, कुछ नाटक, कुछ लोग कपड़े पहन के निकलते, तो वैसे ही वो लोग गुरुपूरब पे सिख लोग जो है करते हैं, राइट. ये तो हमने वैसे पढ़ा था सिंपल फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं. और कुछ और फेस्टिवल्स है जैसे बिहू है, हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल पढ़ा है, जैसे मकर अपने नॉर्थन इंडिया का मकर संक्रांति, साउथ इंडिया का हमने पढ़ा है पोंगल और ओनम. वैसे ही ईस्ट इंडिया का जो आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, इट इज बिहू. कौन सा है? बिहू. ओके चिल्ड्रन. और देखो अब हम बसंत पंचमी भी सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन सरस्वती जी का बर्थडे है, सरस्वती की पूजा होती है, हवन होता है, ठीक है. मोस्टली सब स्कूल्स में चिल्ड्रन, क्योंकि सरस्वती की देन है, जो सब स्कूल्स में, अपने स्कूल में भी देखो चिल्ड्रन सरस्वती की मूर्ति है, राइट, हर स्कूल में मिलेगी आपको, क्योंकि विद्या की देवी है ना. और जो स्कूल्स है वो विद्या ही देते हैं. सो दे सेलिब्रेट दिस एंड दे ऑफर प्रेयर्स बिफोर गॉडेस सरस्वती, राइट. वो सरस्वती की पूजा करते हैं उस दिन, ऑन विच डे, इट इज बसंत पंचमी. देन दिस फेस्टिवल इज यूज टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ विंटर्स एंड बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है. बसंत ऋतु जहां जब फ्लावर्स दे जस्ट ब्लूम, मीन्स खिलते हैं, सो इट इज द बिगनिंग ऑफ दैट सीजन स्प्रिंग, बसंत ऋतु एंड एंड ऑफ विंटर सीजन. सो वी सेलिब्रेट बसंत पंचमी. एंड देन वी हैव जो बुद्ध रिलीजन है उनका फेस्टिवल आएगा गुरु पूर्णिमा. इट इज बुद्ध पूर्णिमा, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध. ओके, नाउ वी हैव चिल्ड्रन, ये तो हो गए हमारे सिंपल फेस्टिवल्स, रिलीजन वाइज है, कुछ और स्टेट वाइज है. नाउ वी हैव थ्री नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है, जो हर रिलीजन के हैं, पूरे इंडिया के हैं, बिकॉज वी आर इंडियन इसलिए भी हम सेलिब्रेट करते हैं वो. तो फर्स्ट है जो है हमारा, इट इज इंडिपेंडेंस डे. क्यों? क्योंकि उस दिन इंडिया आजाद हुआ था, हमें आजादी मिली थी, राइट. इट इज वी सेलिब्रेट इट ऑन 15 अगस्त. वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और तब से हम हर साल एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 15 अगस्त एज इंडिपेंडेंस डे. तो ये जो है हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है. सेकेंड इज रिपब्लिक डे. देखो अब जो 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे, उस दिन जो है प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे जाके इट होल्ड द फ्लैग, मतलब झंडा फहराता है, एंड ही गिव स्पीच, वो भाषण देते हैं 15 अगस्त को, हु प्राइम मिनिस्टर. ओके, एंड ऑन रिपब्लिक डे जो है प्रेसिडेंट, देखो ऑन इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर गिव स्पीच, होस्ट फ्लैग, वो झंडा फहराता है. ऑन रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट होस्ट फ्लैग, उस दिन वो प्रेसिडेंट जो है वो झंडा फहराता है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मीन्स जो हमारे हक है, हम वोट दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं, राइट. हम जो हमें ये राइट्स मिले हुए हैं और जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस है, कि हम 18 ईयर से पहले हमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, हम 18 ईयर से पहले वोट नहीं दे सकते, एंड बहुत सारे राइट्स और कानून है, हम अपने देश को गाली नहीं दे सकते. सो ये जो हमारे राइट्स और कानून जो बना हुआ है ये तब बना था, ठीक है. तो इट केम ऑन वर्किंग ऑन 26 जनवरी.
सो वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे. 26 जनवरी 1940 देखो 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था एंड 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी को, तो इसलिए हम उसको एज अ रिपब्लिक डे वी सेलिब्रेट इट. ओके चिल्ड्रन, एंड ऑन दैट डे जो जो है झांकियां निकलती है बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सारे स्टेट्स की झांकियां निकलती है, राइट. परेड होती है, परेड होती है, राइट. एंड ऑल थ्री आर्म्ड फोर्सेस मींस नेवी आर्मी एंड एयरफोर्स तीनों अपनी अपनी उस दिन अपने जो उनके पास वेपन्स रखे हैं और जो उनके मैन हैं वो मार्च पास्ट करते हैं, अपने वेपन्स को शोकेस करते हैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग वो लोग स्टंट्स दिखाते हैं, राइट. तो उस दिन वो लोग अपने कर्तव्य दिखाते हैं एंड मैनी स्कूल्स आल्सो पार्टिसिपेट उस फंक्शन में, परेड में. आप लोग भी टीवी पर देखते होंगे चिल्ड्रन. इट इज ऑन 26 जनवरी रिपब्लिक डे. देन आर लास्ट थर्ड नेशनल फेस्टिवल इज गांधी जयंती. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ आवर महात्मा गांधी. तो उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती. इट इज हिज बर्थडे, सो वी सेलिब्रेट इट एज नेशनल फेस्टिवल. ओके चिल्ड्रन, सो सी चिल्ड्रन एंड नाउ वी विल डू इट्स बुक एक्सरसाइज. सी नाउ चिल्ड्रन, सो फर्स्ट जो हम करेंगे वो है चूज द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज ए. फर्स्ट हमारा पीपल ईट डांस ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ईद. ईद पे वो लोग क्या क्या खाते हैं, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट देखे कि भुजिया एंड डी इज पुडिंग. सो हमारा पीपल ईट डैश ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ईद, इन चारों में से लोग जो है ईद पर व्हाट डिड दे ईट, दे ईट भुजिया सेवई केक और पुडिंग, दे ईट सेवई, राइट चिल्ड्रन. नाउ सेकंड इज दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड.
एज अब देखिए कब सेलिब्रेट होता है, एक तो दशहरा दिया हुआ है इन्होंने, सेकेंड ऑप्शन इज दिवाली, सी इज गुरुपूरब, एंड डी इज क्रिसमस। नाउ दे आर सेइंग चिल्ड्रन दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द सेम टाइम एज, कब सेलिब्रेट होती है दुर्गा पूजा, उस समय ठीक उस समय कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दशहरा, दिवाली, गुरुपूर्व और क्रिसमस। इट इज दशहरा, राइट। नाउ सी इस डैश इस डैश इज सेलिब्रेटेड इन असम, इनमें से असम में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, दुर्गा पूजा, इस दिवाली, सी बिहू, एंड डी इज क्रिसमस। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिन डैश इज सेलिब्रेटेड इन असम, इनमें से कौन सा फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज दुर्गा पूजा, दिवाली, बिहू और क्रिसमस। सो असम में चिल्ड्रन इट इज बिहू इज सेलिब्रेटेड, जो असम का फेस्टिवल इट इज बिहू एंड इट इज देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये वहां का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। Now come to B children. Sorry, fourth. Now see four children. Christmas is celebrated Christmas is celebrated to mark the true mark the birth of एंड आवर ऑप्शन आर राम, बी क्राइस्ट, एंड सी इज दुर्गा। Now they are saying कि देखो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड टू
मार्क द बर्थ ऑफ क्रिसमस। किसके बर्थडे पे, किसके बर्थडे के उपलक्ष्य में, किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसका बर्थडे आता है क्रिसमस पे, राम का, क्राइस्ट का, दुर्गा माँ का या काली माँ का? इट इज क्राइस्ट, क्रिसमस, इसीलिए चिल्ड्रन, ओके, इट इज क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। एंड आर फिफ्थ ऑप्शन इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट जून सी नवंबर एंड दी जुलाई नाउ सी चिल्ड्रन दे आर इन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ इंडिपेंडेंस डे किस मंथ में हम सेलिब्रेट करते हैं इट इज अगस्त जून नवंबर और जुलाई इट इज अगस्त यस आई नो यू ऑल नो हम अगस्त में जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं ओके सो आर दिस फिलिंग द ब्लैंक्स इज कंप्लीट चिल्ड्रन सो फर्स्ट नाउ वी विल डू सी एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज सी ट्रू एंड फॉल्स ओके चिल्ड्रन सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इज Christmas is celebrated to mark the birth of Christ. To mark the birth of Christ. हम ये चलो एक साथ करेंगे ठीक है हम पहले लिख लेते नाउ सेकेंड इज दिवाली इज ऑल्सो नोन एज
नोन एज दुर्गा पूजा इन गुजरात। Now come to third children. It is Pongal. Is celebrated in Tamil Nadu. Fourth is Holi is the festival of colors. Holi is the festival of colors. Fifth is the Republic Day. The Republic Day India is celebrated on 15th. Okay, children. So now we will do it. Now see, true false बताने चल रहे हैं हमें। Christmas is celebrated to mark the birth of Christ. कि Jesus Christ के birthday के उस पर हम birthday date को उनके हम Christmas celebrate करते हैं। So it is true. हम इसके आगे क्या लिख देंगे चिल्ड्रन? True. Now second is Diwali is also known as Durga Puja in Gujarat. क्या गुजरात में हम दिवाली को दुर्गा पूजा कहते हैं? False children, it is wrong. Now third, Pongal is celebrated in Tamil Nadu. It is true. Okay. Holi is a festival of colors. Yes, children. Holi में हम रंगों का त्योहार कहते हैं ना? So it is true. The Republic Day of India is celebrated on 15th August. क्या 15th अगस्त को आता Republic Day? No children, 15th अगस्त को हमारा Independence Day आता है and Republic Day comes on 26th January. So it is false. So you have true, false, true, true and false. Okay children. चिल्ड्रन आज की एक्सरसाइज वी विल स्टॉप हियर. ओके चिल्ड्रन, सो टुडेज एक्सरसाइज जो हम बच गए एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज वी हैव डन ए एंड सी. तो हमारी जो एक्सरसाइज बी है वो हमारी रह गई है, डेट इज क्वेश्चन आंसर्स. सो डेट वी विल डू टुमारो. ओके चिल्ड्रन, सो
ये डू दिस एक्सरसाइज इन बुक एंड क्वेश्चन आंसर्स इन नोटबुक. तो ये तो आपको बुक में करनी है दोनों ही एक्सरसाइज. ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स फॉर टुडे. बाय एवरीवन, थैंक यू. एंड चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके चिल्ड्रन, सो बाय फॉर टुडे, थैंक यू.